अल्लाम नाजिन, मैं हूँ आपका स्पेशल शो। आप देख रहे हैं वर्ल्ड डिजिटल यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनासिब जो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजिन, हमारे पाकिस्तान के एक MNA हैं, JUIF, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के रुकन हैं वो। 60 साल उनकी उम्र है और उन्होंने 14 साल की लड़की के साथ शादी की है। ये खबर बहुत ज़्यादा खबरों में रहा, मैं इसको हाईलाइटेड देख रहा था, लेकिन मैं चाहता था कुछ फैक्ट्स जमा हो जाएँ, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ इस बारे में। जनाब, पाकिस्तान में कानून के मुताबिक जो शादी की एज है वो 18 साल है, लेकिन मिनिमम 16 साल की अगर उम्र है तो पेरेंटल गाइडेंस के साथ, वालदैन की मौजूदगी के साथ में निकाह हो सकता है। लेकिन जनाब, यहाँ पे लड़की की उम्र 14 साल बताई जा रही है और हजरत की उम्र 60 साल है। इस्लामिकली ये गलत नहीं है, मैं खुद एडमिट करता हूँ इस बात को। इस्लामिक हिस्ट्रीज में हमारे इस तरह के इवेंट्स मिलते हैं, लेकिन हमारे जो कल्चर, एक एक आप जिस मुल्क में रहते हैं उसके कुछ एक कल्चर होता है, उसकी कुछ, यानी वो समझे कि कुछ उसके तकाजे होते हैं, और उन तकाजों के ये बात मुनाफी है। बहरहाल, एनी हाउ, कानून के भी ख़िलाफ़ है तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी है, शुरू कर दी है। और जनाब, हम आपको बता दें कि लड़की के वालदैन जो थे वो उस शादी, उस निकाह में शामिल नहीं थे। लड़की के वालदैन शामिल नहीं थे उस निकाह में, तो बज़ाहिरन लग ऐसा रहा है कि शायद उन्होंने पैसों के अवज़ अपनी बेटी को बेचा है, और ये मतलब सारा मामला हुआ है। जनाब देखें, बात यह है कि मैंने साहब ने शायद ये पैसे दे के ये काम किया है। अब मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतनी सी बात करूँगा कि जनाब, आप ये जो काम कर रहे हैं, आप अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, आप क्या एग्जांपल, क्या प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं। और एक छोटा सा सवाल उन MNA साहब से है कि जनाब, अगर आपकी अपनी बेटी 14 साल की होती और वो किसी 60 साल के ज़यीफ बाबे से शादी करती, तो क्या आप एक्सेप्ट करते? क्या आपकी गैरत इस बात को गवारा करती? क्या आप ये तस्लीम करते? भले वो जितना मर्जी अमीर आदमी होता यार, फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या आप ये एक्सेप्ट करते? जब आप अपने लिए ये एक्सेप्ट ना करते, तो आपने किसी और की बेटी के साथ ये जुल्म क्यों किया? सिर्फ ये, इस सवाल के साथ मैं आपको इस वीडियो के एंड में छोड़ूंगा। पाकिस्तान से तब